इन आंसुओं को देख रहे हैं, ये कोई लाइट कैमरा और एक्शन बोलते ही नहीं निकले। बस इन रोते बिलकते दर्शकों को 19 जनवरी 1990 का वो दिन याद आ गया जब इन्हें कश्मीर से खदेड़ दिया गया था। इनमें से किसी की माँ का कत्ल कर दिया गया, किसी की बहन के साथ बलात्कार हुआ, किसी के भाई को जिंदा जला दिया गया, किसी की बीवी को गोलियों से भून दिया गया और किसी के पति को बीच चौराहे पर लटका दिया गया। सोचिए, 32 साल तक इन कश्मीरी पंडितों पर बॉलीवुड ऐसी कोई फिल्म नहीं बना सका जिसमें इनकी सच्ची कहानी को बताया जाए। विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को जब इन लोगों ने देखा तो अपने दर्द को नहीं रोक पाए और फूट फूट कर रो दिए। ये सच्चाई का दर्द है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 32 साल पहले उस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देखा था। विवेक रंजन अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स पर मीडिया खामोश है। उन्हें लगता है कि अगर ये सच लोगों को दिखाया जाएगा तो कश्मीर का असली सच लोगों को पता चल जाएगा। फिल्म में अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती जैसे दिग्गज एक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी इस फिल्म के प्रमोशन से मीडिया हाथ खींच रहा है। कश्मीर पर अब तक जितनी भी फिल्में बनी हैं, उनमें कहीं भी कश्मीरी पंडितों के दर्द को नहीं दिखाया गया। साल 2020 में विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म शिकारा को कश्मीर की सच्ची कहानी बताकर बेच दिया गया था, लेकिन उसमें दर्शकों के साथ धोखा किया गया। फिल्म का एजेंडा तो कुछ और ही था, लेकिन अब द कश्मीर फाइल्स में इनका सच जब पहली बार सबके सामने आया तो इनके आंसू नहीं रुके। आज की पीढ़ी को तो पता भी नहीं होगा कि कैसे कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार किया गया। हैट्स ऑफ टू मिस्टर विवेक अग्निहोत्री, इज डन अ ग्रेट जॉब। और ये एक चीज है मैम कि ये चीज अब डॉक्यूमेंट हो गई है। आई थिंक 90s में जब हम बहुत छोटे थे तो उस टाइम थोड़ा बहुत जो पढ़ते थे या सुनते थे, आज वो सब देखा है। और जस्टिस ये नहीं है कि लोग एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं और 20 साल बाद जिसने मर्डर किया था उसको सजा मिल जाए, ये जस्टिस नहीं है। जस्टिस ये है कि कोई भी जो पीड़ित है उसकी पीड़ा को तुरंत खत्म किया जाए, वो है जस्टिस, राइट? तो क्या हमारे पास वाकई में राइट टू जस्टिस है? इतनी अच्छी हमारी जुडिशरी है तो 32 साल से भाई एक कम्युनिटी अपने घर में ही नहीं, जो उनकी ओरिजिनल जमीन है, जो उनका टाइटल है, जिसके वो हकदार हैं, उनके बाप दादा पूछते जा रही हैं, और वो जमीन उन लोगों को दे दी गई जो कि कन्वर्ट होके कुछ और बन गए, करेक्ट? और आपका देश का जो दुश्मन है पाकिस्तान, और जिसके लिए जो सबसे बड़े दुश्मन इंसानियत का है टेररिज्म, इन दोनों चीजों को आपने वो जमीन दे दी और उसको फलने फूलने दिया। आपने शिव और सरस्वती की जमीन का जो टाइटल है वो इलीगली ट्रांसफर कर दिया यासीन मलिक और मकबूल भट्ट और ऐसे टेररिस्ट लोगों के नाम पे, और सब बैठ के देख रहे हैं, मीडिया भी देख रहा है, पार्टीज भी देख रही हैं, पॉलिटिशियंस भी देख रहे हैं, सारी दुनिया बैठ के देख रही है तमाशा। तो ये तो जस्टिस नहीं हुई। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक होता है ऑर्गेनिक रीच जो लोग खुद एक दूसरे तक पहुंचाते हैं मैसेजिंग, और दूसरा होता है एक हाइप्ड अप रीच, यू नो, जहां आप इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दें, इतनी हाइप क्रिएट कर दें कि लोग एक इवेंट बन जाए और मजबूरी में लोग कहें भाई हमें तो इस इवेंट का पार्ट होना, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। इन फिल्मों को हाइप अप करने का स्कोप ही नहीं है क्योंकि वो इतनी रियल है। कश्मीर फाइल ये एक ऐसी प्रस्तुति है, फिल्म है, मूवी है, जो बहुत सा हमने पढ़ा था और बहुत पढ़ा था, तो वो ऐसा लग रहा था कि वो अब फ्लैशबैक में हमारे सामने चल रहा है। जैसे वो ड्रम वाला सीन है, शुरू का किस्सा था, वो ट्रुथ है, वो सही सच किस्सा है। थोड़ा खड़वा सच्चा सच को बोलना चाह रही कश्मीर फाइल्स के बारे में। जब इतना जबरदस्त हिंदुओं के ऊपर इतना हो रहा था और लोग कैसे बाहर निकले वो भी उनको मालूम नहीं था, और मैं बोलना नहीं चाहती, नो डिफरेंस बिटवीन मदर एंड डॉटर, हस्बैंड के सामने यू विल अंडरस्टैंड सर, कांट इवन अटर दिस। People were threatened, you will convert or else you will not be alive. ये हुआ उस समय, मगर सच्चाई बाहर आने के हर बार कुछ ना कुछ आटंका, नहीं नहीं, that didn't happen, denial, आज भी denial हो रही है। अगर वो आपसे कहते कि थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में है कश्मीरी एग्जोडस, सो इस बारे में कभी कोई फिल्म बनी नहीं है, और मुझे लगता है कि ये दर्द बाहर आना बहुत ज़रूरी था उन सब लोगों के लिए जिन लोगों ने मतलब वो सहा है। जी, जैसे हमने अमेरिका में पहले किया था
स्पेशल ट्रायल्स, वहीं से शुरुआत अच्छी हो गई थी, लोग इमोशनल हो रहे थे और वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे थे, फिर भी वो इस फिल्म से कनेक्ट कर पा रहे थे। ये बहुत ही ज्वलंत फिल्म है और बहुत ही यथार्थ, ये सत्य पर आधारित है और ये तो हर हिंदुस्तानी के लिए ये फिल्म का देखना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए देखना ज़रूरी है ताकि जो हुआ था वो फिर से ना दोहराया जाए, सबको सचेत होना है कि ये ऐसी जो दुर्घटना मैं कहूँगा, ऐसा जो एक्सोडस हुआ था और जो कहते ना कि मास एक्सोडस, इस तरह का जेनोसाइड कभी भी हमारे देश में नहीं होना चाहिए और कश्मीरी पंडितों को उनका न्याय अवश्य मिलना चाहिए। आई थिंक हर एक युवा को देखनी चाहिए ये फिल्म, इतनी काबिले तारीफ है कि इससे हमारी फिल्म इंडस्ट्री को पूरे विश्व में इज्जत मिलेगी, समझे आप, ये इतनी अच्छी फिल्म है और ये ऑस्कर में जानी चाहिए। तो जो कश्मीरी पंडितों का मास मर्डर्स हुए हैं जिसकी कोई बात नहीं करता है, उसको पूरा जब दुनिया देखेगी तो उनको पता चलेगा कि कैसे हिंदू वर्ल्ड में माइनॉरिटी है। ढाई घंटे आंखें नहीं हटा सका फ्रेम से, इतनी इंग्रेसिंग बात है, परफॉर्मेंस सुपर्ब है। ये सच ऐसा होता है कि जैसे कहते हैं कि अगर आप गलत न्यूज़ दो तो आप पाप कर रहे हो, लेकिन अगर आप सच न्यूज़ हो उसको छुपा के रखो तो उससे भी बड़ा पाप होता है। जिन लोगों के साथ ये हुआ, जिनके साथ ये मर्डर हुआ, जिनके साथ ये रेप हुआ, जिनके साथ ये सब कुछ हुआ, उनसे किसी ने बात नहीं करी। और जब हम और पल्लवी जी निकले ये बात करने उन लोगों से, आप यकीन नहीं करेंगी कि टूटे हुए दिलों की आवाज़ एकदम अलग होती है। टूटे हुए दिल बोलते नहीं, उनको सुना जाता है। क्योंकि मैंने कश्मीर को बहुत गहरा अध्ययन किया, कश्मीर में अगर आप देखें तो 80 के पहले की जो लड़कियां थीं वो बिल्कुल आपसे भी ज़्यादा मॉडर्न कपड़े पहनती। मॉडर्न का मतलब मेरा ये नहीं है कि कम कपड़े पहनना, मॉडर्न से मतलब वेस्टर्न जीन्स पहनती थी, शर्ट पहनती थी, टी शर्ट्स पहनती थी, हर तरह के कपड़े। और उन लोगों को ऐसा नहीं था कि कोई सोसाइटी बांध रही है कि तुम्हें ये पहनना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, उनको स्वतंत्रता थी। और फिर एक ऑर्गेनाइजेशन आई, उन लोगों ने फिर लड़कियों को मार मार के, पीट पीट के ये बोला कि अगर तुम पूरा बुरका नहीं पहनोगी और आंखें भी नहीं दिखनी चाहिए, देखिए वहाँ पे जाली वाला बुरका कई जगह पे इतना दिखता है आंखें, वो भी नहीं, यानी तुम कुछ नहीं, तुम्हारी आंखें भी नहीं दिखनी चाहिए, तुम्हें जेल की तरह, और मार मार के उनको बुरका पहनाना शुरू किया। और सिर्फ उतना ही नहीं, जब ये प्रोसेस पूरी हो गई लड़कियों को बुरका पहनाने की, आप एक महिला आप समझ सकती हैं, उसके बाद जो दूसरी लड़कियाँ थीं उन लोगों को बोला तुम तिलक लगाओ ताकि पता चले दूर से कि तुम हिंदू हो और हम तुमको पकड़ सकें। ये इस्लामिक टेररिज्म के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जाते ही घुसते ही साथ सबसे पहले महिलाओं का और वीकर सेक्शंस को दबाता है, टॉर्चर करता है, उनको बुरके के अंदर भर देता है और फिर सारे जो मेल हैं पेट्रियार्की जो है वो टेक ओवर कर लेती है और बंदूकों के सहारे फिर ना तो आपको गाने की आज़ादी है, ना डांस करने की आज़ादी है, ना कविता लिखने की आज़ादी है, ना एक्टिंग करने की, आपसे सारी आज़ादी छीन ली जाती है और धीरे धीरे वहाँ से आर्ट लिटरेचर सब ख़त्म हो जाता है और सिर्फ बंदूकों के राज में वही लोग रह पाते हैं जो उन बंदूकों के ऑर्डर को मानते हैं। इसलिए मैं इसके अगेंस्ट हमेशा आवाज़ उठाता हूँ। ये फिल्म बाकी फिल्मों की तरह ज़रा ज़्यादा फोकस है और ख़ासकर ये तो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये कश्मीरी पंडितों की त्रासदी है, उनकी ट्रेजेडी की कहानी है और इसको पर्दे पर लाना कला का भी उसमें हाथ था और मतलब क्राफ्ट का भी काम था और दिल के जितने भी टुकड़े हो सकते थे उनको भी लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी था। ये इस ट्रेजेडी का जो 400,000 लोगों को या 4,00,000-5,00,000 लोगों को 19 जनवरी 1990 को अपने घरों से निकलना पड़ा और पिछले 32 साल से उनको कोई न्याय नहीं मिला है, तो कभी कभी उस ट्रेजेडी को देखकर पर्दे पर एक थोड़ा सा मरहम का काम होता है। वो इसके टेररिज्म इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन बींग्स, ऑफ ह्यूमन काइंड, ऑफ वर्ल्ड टुडे, और यही टेररिज्म का ये जो थे ये शिकार हुए ये कश्मीरी पंडित। एक वरना कश्मीर जो है वो उसका कश्यप ऋषि कश्यप के नाम से उस पर रखा गया है और धीरे 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 करके सब लोग वहाँ से निकाल दिए गए। तो आई थिंक टेररिज्म ने हर किस्म के इंसान को, हर किस्म के धर्म को नुकसान पहुँचाया है, न केवल पंडितों को, ब्राह्मणों को या हिंदुओं को, पर उसमें मुसलमान को भी काफ़ी टेररिज्म के शिकार हुए हैं, काफ़ी उनकी भी जाने गई हैं, सरदारों को, अभी भी कश्मीर में कितने लोगों ने मुसलमानों को ही मारा है। ये मौका है जानने का कि आखिर क्यों कश्मीर आज दहशत के मुहाने पर खड़ा है। हो सके तो देखिए, अपने साथियों को भी दिखाइए, वरना हमेशा कश्मीर पर भ्रम चाटते रह जाएंगे।